हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमई एकेडमी में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका डिस्कस करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का ही वीडियो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, स्टूडेंट्स यहाँ पे दो टर्म काफी ज्यादा यूज होगा। एक तो कॉन्स्टेंट यूज होगा, कॉन्स्टेंट, और दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल कॉन्स्टेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। और वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज करे, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हमेशा चेंज करे। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6 है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल हमारा कौन सा है, तो ये हमारा वेरिएबल है x, दिस इज वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्टेंट हमारा कौन सा है, तो ये नंबर जो है हमारा, ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, क्लियर है। अब यहां पे स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इधर वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये हमारा इक्वालिटी का साइन है स्टूडेंट्स, इक्वालिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। LHS हो गया आपका यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, और RHS हो गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल स्टूडेंट्स। यहां पे पावर इसका सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक से अगर ज्यादा हो गया तो उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, हमेशा ध्यान रखना है इसकी पावर जो है हमेशा वन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड और उधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड। ये जो एक्स वाई जेड जो भी हम लोग यूज करते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं, और इस एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाइड होता है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होता है सिंगल वेरिएबल में। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये होता है स्टूडेंट्स एक्स प्लस बी बराबर जीरो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा रूल आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की ऐसा वैल्यू जिस पे वो सेटिस्फाइड करता हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, विच सेटिस्फाइड, विच सेटिस्फाइज आर LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब एक्स की ऐसा वैल्यू जिस पे हमारा दोनों आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि वो हमारा सॉल्यूशन है। अगर नहीं इक्वल है तो नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, उस वैल्यू पे सॉल्यूशन नहीं होगा। और थोड़ा सा साइन का यहाँ पे विशेष ख्याल रखेंगे, प्लस माइनस कैसे चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहां पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और अगर यहां माइनस है तो इधर आके प्लस, ठीक
ठीक है। सेम उधर से भी वही कंडीशन, अगर यहाँ माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चंस लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहां प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, ठीक है, और अगर यहां माइनस है तो इधर आके प्लस होगा। इस तरह से अगर इधर माइनस से आप इधर आ रहे हैं तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है। तो हमें यहां पे एक्स की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगा। सो सॉल्यूशन करते हैं, यहां पे x माइनस टू इज इक्वल टू सेवन है, तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा कोशिश करना कि x हमें साइड करना है किसी भी तरह, ठीक है। तो अगर यहां पे x ये माइनस टू है, अब अगर यहां पे माइनस है तो उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा स्टूडेंट्स, ये सेकेंड होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पे सेवन प्लस टू, इधर आके प्लस टू हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, नाइन हो गया। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू नाइन हो गया, यह आंसर, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं ये x इक्वल टू नाइन जो है हमारा इसी इक्वेशन को वेरीफाइड कर रहा है या नहीं है, सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे देखिए। तो यहां पे x माइनस टू, इसका मतलब x की वैल्यू कितना है, नाइन माइनस टू इक्वल टू सेवन। अब देखिए स्टूडेंट, सेवन सेवन इक्वल हो गया, एल एच एस जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, जैसे एक यहां पे क्वेश्चन है फोर्थ नंबर देखते हैं, यहां पे थ्री अपॉन सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन अपॉन सेवन। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला आपको कि ये हमेशा हमें निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एक्स को यहीं पे रहने देते हैं, सेवनटीन अपॉन सेवन को ऐसे लिखते हैं। अब ये चीजें प्लस में है स्टूडेंट्स, प्लस में जब होता है तो उधर जाके क्या होता है, माइनस, तो माइनस थ्री अपॉन सेवन। अब इसका एलसीएम लेंगे, सेवन सेवन का एलसीएम सेवन ही होता है यारे बच्चों, और ये हो गया सेवनटीन माइनस थ्री, ठीक है, सत्रह में से सेवनटीन में से थ्री को लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्टीन अपॉन सेवन, और सात से इसको काट देंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगा y, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, इजी है। एक एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.15, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ऐसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फ्रैक्शन होगा तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। अब यहां पे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू फोर जीरो। अब स्टूडेंट्स यहां पे दो पॉइंट है, इसलिए यहां से इधर से काउंट करके दो पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, और भी इसके एप्लीकेशंस है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, इसका डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।